हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं अपना ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, आज मैं आई हूँ ये जो निशा लांबा और अंजलि चौहान के बीच जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और सबने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने व्यूज़ रखे हैं, अपनी अपनी बात रखी है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो जहाँ तक मैंने उन लोगों की बातें सुनी हैं, उन लोगों के वीडियोज़ देखे हैं, और निशा लांबा जी ने जो उनके अंजलि चौहान जी के मैनेजर की बातें सुनवाई हैं, और उनकी जो एक साथी हैं साक्षी करके अंजलि चौहान की, तो उनकी जो बातें सुनवाई हैं, तो दोनों की मैंने वीडियो देखी है। अंजलि चौहान की भी मैंने वीडियो देखी है जिसमें अपनी माता जी की कसम खा करके कह रही हैं कि मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, मैं इनकी कसम खा के कह रही हूँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो दोनों तरफ की ही बातें सुनी हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने पक्ष हैं, तो मेरा भी अपना एक पक्ष है। मैं अंजलि चौहान की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और निशा लांबा जी की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं अंजलि चौहान जी का जो डांस है और वो कहाँ से कहाँ उठ करके आई है, तो वो बहुत काबिले तारीफ़ है। दूसरी तरफ निशा लांबा जी एक सिंगल लेडी हैं और बहुत अच्छे से अब उन्होंने अपने आप का स्ट्रगल से उठ करके, अपने डिप्रेशन से बाहर आके उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा किया है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, एक अपना मुकाम हासिल किया उन्होंने। दोनों ही अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इस लेवल पर आकर अगर आप लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा। हम भी अब YouTube पर आए हैं, अभी हम एक छोटे से लेवल पर हैं यूट्यूब पर, बोलो ये बहुत बड़ा नाम है, तो आगे चल के क्या होता है क्या नहीं। देखो हम इन्फ्लुएंसर हैं तो हो सकता है हम भी बने आगे चल के, और इस लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर आकर इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने सुना था, निशा लांबा जी बता रही हैं और अंजलि चौहान जी भी बता रही हैं कि अंजलि चौहान जी को उन्होंने बोला था निशा लांबा जी ने कि अपनी उस स्टोरी में वो उनकी वो लगा दें, नीला साठ वाला गाना आया था तो उन्होंने वो बिना पैसों के लगा दिया था अंजलि चौहान ने, ठीक है, वो अंजलि चौहान ने अपनी स्टोरी पर लगा दिया था, तो निशा लांबा जी को उसके व्यूज़ मिले थे, उनको उसका फ़ायदा हुआ था, उनके फॉलोवर्स बढ़े थे, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। और हालांकि निशा लांबा के खुद के बहुत बड़े फॉलोवर फैन फॉलोइंग है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हुआ था अंजलि चौहान जी से। तो अंजलि चौहान जी ने उनसे कोई पैसे नहीं लिए थे उसके, जबकि अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से आप यूट्यूब को देखते हैं तो अंजलि चौहान को या तो पहले ही मैं एक दोस्ती वाला रुख अलग रखते हुए और प्रोफेशनल तरीका अपनाते हुए उनको पहले ही बोल देना चाहिए था कि मैं इस चीज़ के पैसे लेती हूँ, तो वो वहीं पर क्लियर हो जाती बात। लेकिन अंजलि चौहान की भी ये बहुत बड़ी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनसे आपसदारी की बात समझे, पैसे नहीं लिए, है ना, लेकिन नहीं लिए और वो स्टोरी लगा दी तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई। अब वो अंजलि चौहान उनके सैलून में जाती हैं, तो उनके सैलून में जाती हैं, उनसे एक्सटेंशन लगवाती हैं, हेयर एक्सटेंशन या जो भी सर्विसेज लेती हैं, फेशियल लेती हैं और बहुत सारी काम कराती हैं, तो उन लोगों के बीच मुझे लगता है थोड़ा फ्रेंडशिप के तरीके का, मतलब एक रिश्ता बन गया। तो उन्होंने उनसे उनके प्रोडक्ट भी मांगे या उन्होंने दिए, जो भी है, मतलब निशा लांबा जी ने अपने प्रोडक्ट उनको भेजे। प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 4,000 रुपये, ठीक है। तो जब अंजलि चौहान के पास वो प्रोडक्ट पहुँचे तो 4,000 के पहुँचे वो प्रोडक्ट, एक महीना हो चुका था अंजलि, और निशा लांबा जी ने कहा था कि मेरे इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू आप इनको दे दीजिएगा बना के अपने वीडियोस में, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होता ही ऑब्वियसली निशा लांबा को। लेकिन अंजलि चौहान जी ने यहाँ गलती कर दी कि उन्होंने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को देना दे करके उन्होंने वही एक सिंपल, जैसे हम लोग भी सिंपल लोग हैं, आपसदारी वाली बात हम अब कर लेते हैं कि चलो शायद उन्होंने ये सोचा कि मैंने इनकी स्टोरी लगाई थी वहाँ तो अब मैं इनके प्रोडक्ट जो है यूज़ कर लेती हूँ और रिव्यू दे दूँगी या जैसा भी है, तो उन्होंने उसके पैसे उनको नहीं दिए और उनकी एक महीना हो गया,
उनको वीडियो बना करके नहीं दी और रिव्यू भी नहीं दिया। तो अंजलि चौहान जी को एक थोड़ा सा ये कर देना था कि उनका रिव्यू बना के दे देना था, एक महीना हो गया था, चाहे छोटा सा ही देती तो उनको निशा लांबा को एक संतुष्टि हो जाती कि हाँ मुझे रिव्यू मिल गया है। और पैसे इसलिए शायद अंजलि चौहान ने नहीं दिए कि एक आपसदारी की बात थी कि मैंने उनकी स्टोरी लगाई थी और मैं अभी इधर इनके प्रोडक्ट यूज कर लेती हूँ। जहां तक मुझे लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात अंजलि चौहान ने की, लेकिन निशा लांबा की यहाँ गलती है कि जब निशा लांबा को 4,000 रुपए नहीं मिले और अंजलि चौहान अब देने के लिए तैयार भी नहीं है, वो सिर्फ उनके प्रोडक्ट वापस करने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो निशा लांबा को भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपनाते हुए ये करना चाहिए था कि बेचारी अंजलि चौहान ने उनसे स्टोरी के पैसे भी तो नहीं लिए थे, तो उसको वहां कवर अप कर लेती, कि कोई बात नहीं, उस इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है अंजलि चौहान, उन्होंने मुझसे पैसे भी तो नहीं लिए, तो उसकी कॉस्ट वो वहां ऐड कर लेती कि कोई बात नहीं, चलो आपसदारी की बात। और आगे को चाहे जब भी कोई बात होती तो प्रोफेशनल रवैया अपनाती और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते। और लेकिन जो है, लेकिन इस मुकाम पर आकर आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से, वो उसको नीचा दिखाना चाह रहा है, वो उसको नीचा दिखाना चाह रहा है, तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये तो ऐसे हो गया जैसे गली मोहल्लों में तो लेडीज वो लड़ती हुई आपने कभी देखी होंगी ना, कि वो लड़ रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने। अगर इस लेवल पर आकर भी आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोच रहे हैं तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, कम से कम इस लेवल पर तो नहीं है। अंजलि चौहान अपनी जगह ठीक है, निशा लांबा अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों ने एक प्रोफेशनल तरीका नहीं अपनाया जो कि होना चाहिए था। चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप भी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो और वो भी इतनी बड़ी यूट्यूबर है, निशा लांबा अच्छे लेवल पर है, तो ये चीज होनी चाहिए थी। ये नहीं कि आप एक दूसरे को, वो उनको चोर कह रही हैं, निशा लांबा ने साफ साफ अंजलि चौहान को चोर कहा है कि चोर है अंजलि चौहान, कि एक मिनट मम्मी, अंजलि चौहान चोर है। देखो ये चीजें अच्छी बात नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पर आकर। निशा लांबा को भी ये सोचना चाहिए था कि उस बेचारी लड़की ने मुझसे इन्फ्लुएंस करती है और वो मुझसे, उन्होंने स्टोरी के पैसे नहीं लिए, कितने फॉलोअर्स बढ़े होंगे, कितना फायदा हुआ होगा, कुछ तो पैसे लेती होगी अंजलि चौहान, नहीं लिए ना, तो फिर उनको भी ये सोचना चाहिए था। तो बस यही था, मुझे ये लगा दोनों में से गलती किसी की नहीं है, थोड़ी सी समझदारी की कमी है। इस लेवल पर आकर भी अगर आप लोगों में समझदारी नहीं है तो फिर तो सब चीज बेकार है। कम से कम निशा लांबा को तो थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए थी। मैं अंजलि चौहान और निशा लांबा दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे निशा लांबा को देखकर भी बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने अकेले अपना सब कुछ इतना बड़ा खड़ा किया है और इतना एस्टेब्लिश किया, अपने बच्चों को पाल रही हैं। और अंजलि चौहान भी जो है इतने बड़े लेवल पर आई हैं छोटे से मुकाम से उठकर, तो दोनों ही लेडीज अपने उसमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। अगर इस लेवल पर आकर भी इस तरीके की बातें करते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप उसको बैठ के आपस में कर लेते, आपस में निपटा लेते, एक मीटिंग रखते, ठीक है। आप निशा लांबा भी फोन पे सुना रही हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगी, एक महीने तक अगर वीडियो नहीं बनाई अंजलि चौहान ने तो क्या आप एक महीने बाद जो है वीडियो डाल के आप किसी की भी इज्जत के धज्जियां उड़ा देंगी क्या? नहीं, ये गलत बात है। आप लोग आपस में मीटिंग करते, आपस में बैठते, आपस में बातें करते, उससे बेटर कुछ हो सकता था क्या? आप दोनों की अलग अलग रेपुटेशन है, लेकिन नहीं, आप दोनों तो ये सोच रहे हैं हम एक दूसरे को नीचा दिखा के हम अपने फैन फॉलोइंग बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। समझने वाले सब समझते हैं, निशा चौहान को भी, अंजलि चौहान को भी समझते हैं, निशा लांबा को भी समझते हैं। कुछ निशा लांबा के अगेंस्ट जाएंगे, कुछ अंजलि के जाएंगे, और मैं बता दूं अंजलि चौहान के साथ बहुत लोग हैं, क्योंकि एक तो उनको सिंपैथी बहुत मिल रही है अंजलि चौहान को, है ना, तो इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। निशा लांबा की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, अंजलि की अलग है,
और सबको सब चीज समझ आती है, इतनी जल्दी किसी को भी चोर नहीं बोलना चाहिए। उस लड़की की भी एक मर्यादा है, अपनी इज्जत है, अपना उनके भी घर की एक वैल्यू है। किसी की भी धज्जियां ऐसे नहीं उड़ानी चाहिए कि वो चोर है, सिर्फ मात्र 4,000 रुपए के लिए आप उसको चोर बोल रहे हैं, तो ये तो कहीं की भी इंसाफ नहीं है। 4,000 रुपए आप ये भी सोच सकती थी निशा लांबा कि आपने स्टोरी के पैसे दे दिए उनको, तो ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये चीज समझनी चाहिए। इस लेवल पर आकर इस तरीके की छोटी हरकत एक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी ऐसे चोर कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपस आदमी में बैठकर बातें करते, मीटिंग करते, उनके मैनेजर से नहीं, आप लोग आमने सामने बैठकर मीटिंग कर सकते थे। तो बस मुझे आज इतना ही कहना था, तो मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद हैं, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस लेवल पर आकर इस तरीके की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो प्लीज वही नहीं और लोग भी समझें, इस तरीके की बातें ना करें। तो बस मुझे आज इतना ही कहना था, मेरे चैनल पर बने रहें और अपने कमेंट्स दीजिएगा जो भी मैंने कहा आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ बनाए रखिए। नमस्कार।